बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एन रही एस ऑन कोरोना वायरस और कोविड नाइन्टीन कंपाइल्ड बाय प्रोफेसर एस हम हफीज अ वायरस कोविड हैज पास्ड अराउंड द ग्लोब। आजकल एक वायरस कोविड 19 जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है इट हैज़ अस रियलाइज द रियलिटी इसने हमें हकीकत से को महसूस करवा दिया है ऑफ मटीरियलिस्टिक लेयर्स उन मदा प्रस्ताना खुशियों के बारे में ऑफ़ लाइफ जो कि हम जिंदगी में पाते हैं एंड टेम्प्रेरी स्पेन ऑफ़ लाइफ इट सेल्फ और ज़िंदगी के इस मुखसर दौरानी या आर्जी दौर को भी वाजिया कर दिया है दिस ग्लोबल पेंडेमिक एस्टोल्डस इस पूरी दुनिया की बीमारी ने वबा ने हमें ये बात बतला दी है दैट अल्लाह अलमैटी इज द सुप्रीम पार अल्लाह तबारक एक सुप्रीम पार की हमल है ऑल द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज जस्ट एन एल्यूजन ये तमाम तर तकनीकी तरक्की ये एक धोखा है इल्यूजन मीन्स धोखा मैन इज हेल्पलेस बिफोर द डिवाइन फोर्स ऑफ अल्लाह इंसान अल्लाह तआला की खुदाई ताकतों के सामने बेबस है मोर देन 1.2 मिलियन पीपल हैव डाइड तकरीबन 12 लाख के करीब लोग हलाक हो चुके हैं वर्ल्ड और लाखों की तादाद में लोग अभी तक इलाज हैं इट हैज़ डिस्टर्ब द एवरीडे लाइफ, इसने रोजमर्रा जिंदगी को न सिर्फ के मुतासर किया है, एंड द होल वर्ल्ड हैज कम टू अ स्टैंड स्टिल बल्कि पूरी दुनिया को साकत बना दिया है पैसेज नंबर टू वी एव विटनेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ दिस करोना वायरस सास इन टू थाउजेंड टू एंड मर्ज इन टू थाउजेंड इलेवन हम देख चुके हैं करोना वायरस की मिसालों को जिनमें शामिल थी सास टू थाउजेंड टू में और मर्ज वायरस की मिसाल दो हज़ार ग्यारह में बहुत वायरस का सीवियर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन इन एनिमल्स एज वेल एज इन ह्यूमन्स दोनों वायरस पैदा करते थे इंसानों और उसके साथ साथ जानवरों में शदीद किस्म की सांस की बीमारी को नाउ इट एज बिकम अ पेंडेमिक अब यह वबा एक आलमगीर वबा बन गई है टुडे आजकल नाउ इट इज नेम्ड द सास को वी टू वायरस अब इसको सास कोविड वी टू का नाम दिया गया है एंड इट कोविड नाइनटीन, और जो बीमारी ये पैदा करती है उसको कोविड नाइनटीन का नाम दिया गया है इट लुक्स लाइक क्राउन, वायरस हम एक ताज की तरह नजर आता है सो इट इज रेफर टू एज करोना मीन क्राउन फिगर इसलिए इसको करोना कहा जाता है यानी कि ताज जैसी खूसियत या शक्ल का हामिल वायरस मोस्ट इंफेक्टेड पीपल डिवेल्प माइल्ड टू मॉडरेट इलनेस ज्यादातर इससे मुतासर अफरा हल्की से ज़रा शदीद बीमारी की तरफ आती हैं एंड रिकवर विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन और बगैर अस्पताल जाए भी रिकवर हो जाते हैं यानी कि सेहत याब हो जाते हैं कोविड नाइनटीन अफेक्ट्स डिफरेंट पीपल इन डिफरेंट वेस कोविड नाइनटीन मुख्तल लोगों को मुख्तल तरीकों से मुतासर करता है मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ फीवर ड्राई कफ टाइडनेस टाइर्डनेस सोरथ्रॉट एंड लॉस ऑफ टेस्ट आर सम ज़्यादा आम अलामतें जो हैं वह हैं बुखार खुश्क खांसी थकावट गले का ख़राब होना जायके या खुशबू का चले जाना द फॉलोइंग स्टेप्स प्रिवेंट इन्फेक्शन दैल नुकात ना सिर्फ के इसकी इन्फेक्शन को रोकते हैं एंड स्लो डाउन दैट ट्रांसमिशन ऑफ कोविड 19 और इसकी वारिस की कोविड-19 वारिस की ट्रांसमिशन यानी मुंतकली के अमल को स्लो कर देती है वो क्या है जी उनमें ना वो वन है वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर कि अपने हाथ बाकायदा से साबुन और पानी से धोएं मेंटेन एट लीस्ट 1 मीटर डिस्टेंस बिटवीन यू एंड अदर पीपल अपने और लोगों के दरमियान एक मीटर का कम अज कम फासला बरकरार रखें अवॉइड टचिंग योर फेस अपने हाथ को टच करने से गुरेज करें कवर योर माउथ एंड नोज वेन कफिंग आसनी सिंह <coughs> जब आप खांसें या छींके तो अपने नाक और मुंह को फौरी डांपे स्टे होम इफ यू फील अनवेल अगर तबीयत में नासाजी महसूस करे तो घर में क्या करें यूज़ द मास्क मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें ये डी स्टूडेंट्स ये पार्ट वन है इसके बाद अगला लेक्चर पार्ट टू का जो कि इतनी ही अल्फाज पर मबनी है ओके जी